अस होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक है वह हाथ पैरों में जलन रहना। कई बार आप देखते होंगे कि लेडीज में और जेंट्स में पांव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, हाथों के जो हथेली वाला भाग है उसमें जलन होने लगती है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो उसमें होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत प्यारी मेडिसिन है। ये भी मुझे बियोर ने बताया था, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो वीडियो बना के अब तक जल्दी जल्दी पेश करूँ। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे कि प्लीज़ अपने बाइक वेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो हमारे नए वीडियो आ रहे हैं वो आप देखते रहें, और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ, क्योंकि डिसलाइक करने से ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और मनोबल गिरता है, तो इसलिए लाइक का बटन जरूर दबाएँ। और नहीं दबा सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, वैसे की वैसे कम से कम आदमी का मनोबल न गिरे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैं आप बहन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी दवाई बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होता है तो बड़ा सा मन दुखता है, उसमें आदमी को जरा बुरा सा लगता है, तो इसलिए इतना जरूर कहूँगा आप लोगों से। चलिए बिना देरी करें, बिना रुके हुए नई दवाई बताने जा रहे हैं। हाथ पाँव में जलन होना, हाथ पाँव में जलन हो रही है और साथ में आपको पसीने के पश से पहले मेरे वीडियो डाला हुआ है, हाथ पाँव में जलन हो रही है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप खाने में जैसे रंग बिरंगे फल और रंग बिरंगे सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और गाजर चुकंदर और इसके अलावा जो भी लिक्विड डाइट वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पानी खूब पिए और शरीर में खून की मात्रा बढ़ाएं, और जिसकी वजह से हाथ पाँव में जलन जो है पूर्ण रूप से सही होगी, और थोड़ी सी होम्योपैथिक दवाई साथ लेंगे तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले नोट करते हैं, सल्फर सिक्स में सिक्स पाव लेंगे तो बहुत शरीर डाएंगे। सवेरे उठते उठते लेनी है दो बोत, सवेरे उठते उठते लेनी है लगभग इसको दो से तीन महीने लीजिएगा सवेरे उठते उठते। सल्फर के लिए कहा जाता है कि अगर सल्फर को लगातार मॉर्निंग में उठते उठते अगर हम लेते हैं तो हमको कोई बीमारियां आती नहीं है। मॉर्निंग में उठते उठते बिना ब्रश करे हुए ले लेंगे, और उसके बाद आधे घंटे बाद ब्रश कर लेंगे तो बहुत शरीर डाएंगे। अगली मेडिसिन है फेरामेट 3x में, कि हाथ पाँव में जलन जो होती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में कहीं कहीं खून की कमी होती है, जिसके बारे हाथ पैरों में जलन होने लगती है, तो फेरामेट की दो गोली सवेरे, दो गोली दिन में, दो गोली शाम को। इस तरह से अगली मेडिसिन है बैक नंबर एक, ये अनिमिया की मेडिसिन है। इन दोनों को फेरामेट और एक बैक नंबर एक को आपस में मिला दो, चार गोली एक नंबर की और दो गोली फेरामेट की आपस में मिला तो लेंगे तो बहुत अच्छे लीडर मिलेंगे। चलो एक बार फिर बता जा रहा हूँ, सवेरे उठते उठते आपने सल्फर लेनी है दो बूंदे उठते उठते आधे घंटे बाद ब्रश करें, और उसके बाद फेरामेट और साथ में बैकिंग नंबर एक को लगातार लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नए वीडियो के साथ में काफी मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।